और कोरोना संक्रमण की वजह से शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन हो गई है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल या लैपटॉप नहीं होने की वजह से वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जिसे देखते हुए झारखंड पुलिस की पहल पर कोडरमा थाना परिसर में मोबाइल दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोडरमा पुलिस के साथ साथ चिल्ड्रन फाउंडेशन के लोग भी शामिल रहे और बच्चों के बीच मोबाइल टैब और लैपटॉप का वितरण किया गया। मोबाइल दान के लिए एकत्रित किए गए नए और पुराने मोबाइल आज कई बच्चों को दिए गए और साथ ही ये भी बताया गया कि एक मोबाइल या एक टैब से 10-10 बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे, इस तरह की व्यवस्था की गई है। अरे कोई यहाँ बैठे ना बैठे कोई। माननीय DGP महोदय का एक काफी सराहनीय पहल रहा है कि कोरोना के समय में ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं उनके बीच में मोबाइल टैब या लैपटॉप का वितरण किया जाए, जिससे कि वो पुनः अपने पढ़ाई को शुरू कर सकें। इस संबंध में सभी जिला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि समाजसेवी संस्थाओं से नए पुराने और मोबाइल फोन्स हमने प्राप्त किए हैं और इन्हें बच्चों को दिया गया है, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई। ये मोबाइल नहीं था तो हमारे साथ हमारे गांव के कई बच्चे थे जिसको ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाता था, और बच्चे तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए उनके पास मोबाइल नहीं था तो पढ़ भी नहीं पाते थे, और ज्यादातर बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हो रहे थे। और जब से हमारे संगठन द्वारा फोन दिया गया तब हम बच्चों को लगभग हम अपने गाँव के 40 बच्चों को रोज क्लास करवाते थे फोन के द्वारा। हम लोग घर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, हमारे गार्जियन के पास भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है अभी फिलहाल, पढ़ाई के चक्कर में हम लोग मतलब ऑनलाइन शिक्षा हम लोग घर में बिल्कुल ना के बराबर थी। अब इसकी सहायता से थोड़ा तो स्थिति बेटर ही होगा सर हम लोग।